ये एक गार्डन का सा एरिया लग रहा है इसमें। ये किस तरह के क्या गार्डन है, छोटे छोटे गार्डन है, मतलब थोड़ा सा इसके बारे में आप बताओ सर। ये पास में आ जाओ सर, ये फेराइन होते हैं, तो एक प्लॉट होता है, ये डिपेंड करेगा साइज वेरी करेगा। तो यहाँ पे आपको, ये आपका प्राइवेट गार्डन होता है, तो जैसे आपको रजिस्टर करना पड़ता है, यहाँ पे फेराइन ग्रुप्स होते हैं, तो और ये प्राइवेट गार्डन में सिर्फ प्राइवेट मतलब वही लोग आ सकते हैं इस एरिया में जिनके गार्डन बिलोंग करते हैं। अब ये क्योंकि एक पब्लिक रोड है तो हम लोग आ सकते हैं। और दूसरा ये है सर कि इसमें रजिस्टर करने के बाद आपको 6-8 महीने या साल भर आपको रजिस्टर्ड रहना पड़ेगा। कुछ लोगों को जल्दी मिल जाता है, कुछ को देर लगती है। तो फिर आपको जब प्लॉट अलॉट होता है तो फिर आपको इस तरह का एक प्लॉट दिया जाता है जिसमें आप अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स कुछ भी आप यहाँ पर उगा सकते हैं। तो ये आप अपने प्राइवेट यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी को देना है, फ्रेंड्स। अब मुझे ये नहीं पता ये आप इसका बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप कहीं जाकर बेच रहे हैं पता नहीं ये कर सकते हैं या नहीं, लेकिन आप अपने लिए या अपने दोस्तों के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक तरह से कि आपने एक छोटे सी लैंड को किराए पे ले लिया, हाँ। और उसको आपने डेवलप किया गार्डन के तौर पे, और फिर ये घर अभी बना लिए होंगे इन्होंने। शुरू में तो यहाँ कुछ नहीं था शायद, और राइट, किसी ने डेवलप किया और उसके बाद में अगर वो छोड़ के जाता है तो दूसरा उसको हैंड ओवर कर सकता है, करेक्ट है ना, उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। और दूसरा ये है सर कि अगर आप इसको ठीक से मेंटेन नहीं करते तो फिर आपको फाइन भी लग सकता है। फाइन भी लग सकता है, ओके। तो बहुत सारे लोग लाइन में भी रहते होंगे क्यू में कि भाई मेरे को भी मिल जाए, और वो देखते होंगे कि कोई ढंग से नहीं कर रहा तो उसकी शिकायत करके ये भी होता उसको वहाँ से हटाना। और ये एग्जैक्टली जिसको जरूरत है और वो कोई ठीक से मेंटेन नहीं करना, ऑब्वियस सी बात है कि मैं अच्छे से कर सकता हूँ मेंटेन, तो, हाँ, तो वो एक फीलिंग रहती है कई लोगों को गार्डन को लेके और पेड़ों को लेके और उस तरीके से। हाँ, और जर्मनी में जो BOSN बियो ऑब्स्टन की न्यूज है, उसका भी जो एक ट्रेंड रहता है, कई लोग इस तरह के अपने प्राइवेट गार्डन में करते होंगे वो चीज। हाँ, ना, सर, खुद exactly, के लिए अपने लिए करते हैं। हाँ, तो जैसे मेरे जो हाउस मास्टर है वो उनका भी गार्डन है, तो वो कभी लाकर वेजिटेबल्स हम लोगों को दिया करते हैं। ओके, तो वो चलता रहता है यहाँ पे। और दूसरा ये कि आप जैसे हम लोग बाहर वाले हैं अभी, इधर बाहर इन द सेंस हमारा प्लॉट नहीं है ये यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे कोई चीजें ये नहीं कर सकते सर कि तोड़ नहीं सकते। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, हमने देखा कि बहुत सारे प्लॉट्स में एप्पल लगे हुए हैं या कैप्सिकम है, टोमेटो है, बहुत सारे वेजिटेबल्स फ्रूट्स हैं, पीएच वाला है सब है, तो लेकिन आप उसको तोड़ नहीं सकते। तो अगर किसी ने देख लिया आपको तोड़ते हुए तो फिर वो फिर फाइन लग जाएगा आप पे। तो इसका आपको एडबरीज ये लोग बहुत सारे ये करते हैं। तो कुछ अंदाजा है कि एक एक प्लॉट जो किराए पे लेते हैं और उसका मतलब क्या पे करना पड़ता है? सर ये वेरी करता है सिटी टू सिटी। केमनिट्स में मुझे याद है 2018 में हम लोग एक फ्रेंड ने बुलाया था, फ्रेंड के कोई फ्रेंड थे तो उन्होंने इन्वाइट किया था वहाँ पर। तो उस टाइम उन्होंने बताया था कि ये उन्होंने महीने का 50 यूरो वो देते हैं ऐसे कुछ। अच्छा, हाँ, लेकिन डिपेंड करता है जैसे मैंने बताया। तो मेरे हाउस मास्टर से मैंने पूछा था तो उसने बताया था साल का 200-250 यूरो करीब से, मतलब 150-200 यूरो डिपेंड करेगा कि प्लॉट के साइज पे भी जाता है कितना बड़ा है, कितना बड़ा आपने ले रखा है, उसमें क्या कर सकते हो। अभी जैसे आज संडे है तो वहाँ पे आके आप अपने दोस्तों को बुला सकते हो, छोटी मोटी पार्टी कर सकते हो, नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो फैमिली को लोग लेकर आते हैं, जो बहुत सारे फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, 2-3 फैमिलीज मिलकर आ जाते हैं यहाँ पे, तो फिर वीकेंड पे ये लोग यहाँ पर आकर थोड़ा पार्टी करते हैं और फिर ग्रिल करते हैं, तो ग्रिल पार्टी करते हैं और फिर उसके बाद यही चीजें भी कर लेते हैं शाम। जैसे आपको रेगुलर मेंटेन करना पड़ता है, घास वगैरह आपको प्रॉपरली उसको उसका एक लेंथ होता है, हाइट होता है, उसके ऊपर आ गई तो फिर वो भी फाइन लग सकता है किसी ने देख लिया, नोटिस कर लिया। और आपको मशीनें वगैरह सब खुद से खरीदनी पड़ेंगी इसकी। ये जो घर आपको दिख रहा है छोटा सा, ये भी आपको मेंटेन करना पड़ता है, इसको खरीदना पड़ता है। मतलब इसका मतलब ये भी है कि भाई आपको ऐसे ही नहीं दे देंगे, पहली बात तो वो देखेंगे कि आप जिम्मेदार आदमी हो कि नहीं, आपको उस चीज़ की ट्रेनिंग है कि नहीं, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। ऐसे नहीं कि पैसे ले लिया रोक लिया, उस टाइप से नहीं चलता है। वही मैंने कहा रजिस्टर करेंगे 6 महीना 8 महीना साल भी लग सकता है, तो फिर वो उस बेस पे आपको मिलेगा। और एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको इसका भी अलग से बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, सब इसको आप अलग, ये अलग बात है, ये बहुत कम प्राइस है, 250 यूरो अगर आप 200 यूरो साल का दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आपको फिर वो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल और मशीन जब आप चलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आता है, अच्छा खासा आता है, मतलब क्योंकि बड़ी मशीनें होती हैं। तो ये एक तरह से इंटरेस्ट से फेराई में है, होते हैं इस तरह के कि जैसे मान लो कोई स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, कोई गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, इस तरह के जर्मनी में हजारों तरह के क्लब्स होते हैं,
तो वही एक टाइप का ये क्लब हो गया जिसके आप मेंबर बनते हो और इस तरह से नेचर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर सकते हो। थैंक यू।